हाय दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जानेंगे पायलट ऑपरेट चेक वाल्व, ऑटो पायलट चेक वाल्व। और ये ऑटो पायलट चेक वाल्व क्या होता है, पायलट ऑपरेट चेक वाल्व होता क्या है, आपको मैं आज डिटेल्स बताऊंगा। ध्यान से मेरा वीडियो देखिए दोस्तों। मेरा यही उम्मीद है आप लोग को पूरा ऑटो पायलट चेक वाल्व, पायलट ऑपरेट चेक वाल्व का बारे में पूरा समझ में आएगा, 100% गारंटी के साथ। दोस्तों दोस्तों कंटिन्यू देखते रहिए। दोस्तों, अगर मेरा यूट्यूब चैनल में आप नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, ऑटो पायलट चेक वाल्व होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं डिटेल्स आप लोग को बताऊंगा। आप अभी देख लीजिए, मैं आप लोग को सफाई करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप जो देखते हैं ये है डीसी वाल्व टाइप का, ये है डीसी वाल्व है, आप लोग देख सकते हैं। ये प्रेशर लाइन है, ये टैंक लाइन है, आप लोगों को मैं डिटेल्स बताऊंगा आज ऑटो पायलट चेक वाल्व या पायलट ऑपरेट चेक वाल्व का कैसे क्या फंक्शन करता है। एक होता है चेक वाल्व, एक होता है पायलट ऑपरेट चेक वाल्व। ये पायलट ऑपरेट चेक वाल्व होता क्या है, ध्यान से देखिए कंटिन्यू दोस्तों मेरा वीडियो, चलिए देखते हैं। हम लोग जो बात करेंगे आज ऑटो पायलट चेक वाल्व। दोस्तों, मैं कुछ इमेज भी दिया हूँ और इमेज में बढ़िया से मैं जब प्लांट में ऑटो पायलट का वाल्व मिलता है तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ, आप ध्यान से देखिए ऑटो पायलट चेक वाल्व होता क्या है। दोस्तों, एक टाइप का ये एनआरबी होता है और ये ऑटो पायलट होता क्या है। ऑटो पायलट क्या होता है, एक जैसा ऑटो पायलट का लाइन ऐसा होता है, डॉट डॉट ड्रॉ ड्रॉइंग में। अगर आप लोग सिंबल का बारे में आप लोग को जानकारी नहीं है तो सिंबल को पहले जान लीजिए, ऑटो पायलट का सिंबल होता क्या है हाइड्रोलिक के। दोस्तों, आज मैं एक सिलेंडर बनाया हूँ, ये है सिलेंडर, ये सिलेंडर में कुछ वेट लिया हूँ और ये जो लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये है पाइपलाइन। जो पाइपलाइन में हम लोग का ऑयल देते हैं, ऑयल एक सिलेंडर को जाता है, ये उसी का है दोस्तों। और ये जो है, ये एक डीसी वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, और ये जो है पंप है दोस्तों, ये पंप हो गया, ये हो गया टैंक। टैंक में हम लोग ऑयल रहता है, ऑयल पंप का मदद से हम लोग देते हैं कहाँ, सिलेंडर। सिलेंडर ऑटो पायलट, हम लोग का ऑटो पायलट वाल्व कैसे काम करता है दोस्तों। ऑटो पायलट क्या होता है, जब पंप से हम लोग का जब ऑयल जाएगा, पंप से जब ये पंप जब चालू होगा, ये डीसी वाल्व का मदद से इधर से ऑयल जब हम लोग का फ्लो होगा तो इसी का अंदर इधर जो तेल रहता है सिलेंडर में इधर भी तेल, जब ये पाइपलाइन से जब तेल हम लोग का इसी का अंदर जाएगा तो इधर का जो ऑयल वो तो रिटर्न आएगा ना दोस्तों। रिटर्न आने के लिए ये क्या होता है, ये ऑटो हम लोग का ऑटो पायलट वाल्व क्या होता है, इधर से जो प्रेशर जाएगा तो इधर से एक सिग्नल दे देता है दोस्तों। इसी को देने के बाद ऑटो पायलट में ये जो बॉल रहता है, ये बॉल इसमें बंद रहता है। अगर ऑटो पायलट नहीं रहेगा, प्लेन चेक वाल्व रहेगा तो वो ओपन नहीं होगा। प्लेन चेक वाल्व क्या होता है, वन वे डायरेक्शन, मतलब सिर्फ जाने का रास्ता रहेगा, आने का रास्ता नहीं रहेगा। सिर्फ जैसे हम लोग का एनआरबी काम करते हैं, कोई अगर आप लोग एनआरबी देखे होंगे तो नॉन रिटर्न वाल्व होता है, क्या होगा उसी में सिर्फ पानी जाएगा कि हाइड्रोलिक ऑयल जाएगा, आने का रास्ता नहीं रहता है। अगर दोस्तों ऑटो पायलट चेक वाल्व रहता है, ऑटो पायलट चेक वाल्व में क्या होता है दोस्तों, ऑटो पायलट एक जो प्रेशर लाइन में जब हम लोग का ऑयल जाएगा, एक हाइड्रोलिक का ऑयल का प्रेशर क्या करेगा, ये वाला बॉल को इसी तरफ धकेल आगे देगा, समझ रहे हैं दोस्तों। ये बॉल जब आगे आ जाएगा, मैं काट देता हूँ दोस्तों, ये बॉल जब इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये रास्ता मिल जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। इधर से जो इधर जो ऑयल है सिलेंडर में ये जो ये वाला जो आएगा, ये पिस्टन क्या होगा, इस इधर जब ऑयल जाएगा, ये वाला क्या होगा नीचे तरफ आएगा। जब नीचे तरफ आएगा इधर जो ऑयल है, समझ रहे हैं दोस्तों, इधर जो ऑयल है, ये ऑयल का इसी तरफ जो आएगा तो इधर से जो प्रेशर लाइन, समझ रहे हैं दोस्तों, ये प्रेशर लाइन में जब ये ऑयल होगा, ये पायलट लाइन में ये इसी का आएगा तो ये वाला बॉल को क्या करेगा, आगे तरफ
दे देगा, उधर तरफ दे देगा, दे देगा तो ये वाला ऑयल क्या होगा, इसी का ऊपर में फिर ऐसा हो के वो फिर क्या आ जाएगा टैंक को। दोस्तों समझ में आया दोस्तों, प्लेन चेक वाल्व और ऑटो पायलट चेक वाल्व में क्या होता है। ये प्लेन चेक वाल्व, प्लेन चेक वाल्व कैसा होता है दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक आप ध्यान से देखिए, ऐसा होता है और बॉल क्या होगा ऐसे लगा होगा, समझ रहे दोस्तों। इधर से जब ऑयल आएगा तो ये साइड में गैप नहीं रहेगा, वो जाने नहीं देगा, समझ रहे हैं। ये साइड में ये रबर भी रहता है दोस्तों, रबर रहता है तो वो क्या होगा पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तेल जाएगा नहीं। मगर ऑटो पायलट रहने से क्या होगा, ऑटो पायलट रहने से क्या होगा, इधर ऑयल घुसने का कारण से ये वाला बॉल को, ये वाला बॉल को आगे तरफ दे देगा। ऑटो पायलट क्या होगा, ऐसे क्या होगा दोस्तों, इधर जो ऑयल जाएगा ये वाला बॉल को बाहर तरफ दे देगा, तब ये रास्ता उसी को मिल जाएगा जाने के लिए। दोस्तों ये है ऑटो पायलट, समझ रहे हैं, और प्लेन चेक वाल्व और ऑटो पायलट चेक वाल्व में यही फर्क है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। सिर्फ इतना याद रखिए, जब प्रेशर लाइन से, जब ऑयल ए लाइन से प्रेशर लाइन से जब प्रेशर जाएगा सिलेंडर को निकालने के लिए, तो ये क्या करेगा, ऑटो पायलट रहेंगे, ये वाल्व को एक सिग्नल देगा कि ये वाला को, ये वाला बॉल को आगे तरफ, ये स्प्रिंग रहता है आगे में दोस्तों, ये स्प्रिंग, वो स्प्रिंग रहने का कारण में उसको प्रेस जब करेगा वो वाला ऑटो पायलट वो सिग्नल दे देगा, तो अब इसी के अंदर से यही पाइपलाइन में रिटर्न फिट टैंक को ऑयल आ जाएगा। दोस्तों मेरा उम्मीद है कुछ आप लोगों को मैं फोटो दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए वो फोटो में, और छोटा सा वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग में दोस्तों इतना समझ भी नहीं आता है, क्योंकि इसी, ये जो हाइड्रोलिक लाइन है थोड़ा सा वीडियो का मदद से आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा। बट इतना याद रखिए दोस्तों, चेक वाल्व और ऑटो पायलट चेक वाल्व, दोस्तों चेक वाल्व हो गया एक वन वे डायरेक्शन वाल्व, मतलब जाने का रास्ता है और आने का नहीं है। ऑटो पायलट में क्या है, जाने का रास्ता वही है और आने का रास्ता भी वही है, और सिर्फ इतना फर्क है, ऑटो पायलट में एक लाइन जाता है ये वाला सिलेंडर को, वो सिलेंडर को हम लोग एक सिग्नल, हम लोग ये जो चेक वाल्व को एक सिग्नल देते हैं, सिग्नल देते क्या है, उसी से पीछे से कुछ आ रहा है उसको भी रास्ता दो जाने के लिए, तो अब ऑटो पायलट लाइन उसको बताता है तो ओपन हो जा और हम लोग ऑयल जाएगा, ऑयल जाने के लिए आ रहा है तो रास्ता दो, ये कौन देता है सिग्नल, ऑटो पायलट, ऑटो पायलट लाइन वही सिग्नल देता है, तो तुरंत खुल जा और ऑयल आ रहा है उसी के लिए ऑटो पायलट रहता है। समझ में आया दोस्तों, मैं कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोग का समझ में आएगा मेरा उम्मीद है। दोस्तों चलिए कंटिन्यू देखते रहिए, मैं कुछ आप लोग को इमेज का साथ कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ। ये कलर कुछ रहता है, ये जो कलर रहता है, हाई प्रेशर लाइन, मीडियम प्रेशर है, लो प्रेशर, ड्रेन और वैक्यूम, ये सब कलर रहता है। कलर का हिसाब से इधर का कलर देख कर आप लोग पता कर लेंगे ये लाइन क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है, सिलेंडर में ये लोड कुछ लिया है, ये फंक्शन अप एंड डाउन होता है, सिलेंडर अंदर तरफ जाता है और बाहर तरफ आता है, तो ये लाइन है, समझ रहे हैं दोस्तों। अगर सिलेंडर का पिस्टन को खोलना है तो ये वाला लाइन देना पड़ेगा इनलेट लाइन, और ये वाला होगा आउटलेट लाइन। अगर सिलेंडर का पिस्टन को अंदर लेना है तो ये हो जाएगा इनलेट, ये हो जाएगा आउटलेट, समझ में आया दोस्तों। तो नीचे में देखिए, ये वाला जो नीचे में है ये पंप है, पंप से ये वाला एक प्रेशर लाइन जाता है, और ये वाला जो डॉट डॉट है ये एक पायलट लाइन है। दोस्तों आप चेक वाल्व को देखिए, चेक वाल्व में जब ये प्रेशर इधर से गया, समझ रहे हैं, पंप जब प्रेशर दिया ये वाला लाइन में, प्रेशर जब गया ये चेक वाल्व है, चेक वाल्व को क्या है, ये प्रेशर तो बॉल को आगे तरफ दे दिया, तो ये लाइन से ये सिलेंडर उस तरफ गया, और आप देख सकते हैं ये वाला रिटर्न लाइन डायरेक्ट रिटर्न आके फिर वो टैंक में पड़ गया। मतलब जब इधर से, तो इधर से जब ऑयल गया, जब ये वाला लाइन में ऑयल जा रहा है तो ठीक है, ये वाला लाइन में तो प्लेन है आ गया, बट ये वाला लाइन में जब ऑयल जाएगा ऊपर वाला लाइन में, ये पोर्ट में जब ऑयल जाएगा तो ये लाइन में रिटर्न कैसे आएगा वही देखना है दोस्तों। उसको करने के लिए क्या होगा, ये लाइन में जब प्रेशर जाएगा, ऊपर वाला लाइन में जब प्रेशर जाएगा, ये पायलट लाइन होता है, जो डॉट 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 है ना दोस्तों, ये वाला
ये जो डॉट 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 है ये पायलट लाइन है। ये पायलट लाइन जब इसी लाइन में प्रेशर जाएगा, जब सिलेंडर आप लोग का नीचे तरफ आएगा तो ये होगा, ये लाइन में प्रेशर लाइन जाएगा। प्रेशर लाइन जाएगा तो ये वाला बॉल को क्या करेगा, वो आगे तरफ पेल देगा तो इधर से रिटर्न फिर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए इधर से तो जा रहा है सिलेंडर, तो खुल गया दोस्त, देख रहे हैं। फिर उधर से जब आएगा ये वाला ऑटो पायलट को देखिए, ये वाला पॉइंट को देखिए दोस्तों। जब ये वाला सिलेंडर खुलेगा तब तो ये लाइन कैसा जाए खुलेगा, ये ऑटो पायलट लाइन सिग्नल देगा, ये वाला बॉल क्या करेगा पीछे तरफ आ जाएगा। जब पीछे तरफ आ जाएगा वो देखिए दोस्तों, जब ये लाइन में प्रेशर जा रहे हैं देख रहे हैं, इसमें जब प्रेशर जा रहे हैं ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। देखिए दोस्तों इधर से जब प्रेशर गया, जब सिलेंडर नीचे तरफ खुला, सिलेंडर जब नीचे तरफ खुला तो ये लाइन में प्रेशर हो गया। ये लाइन में जब प्रेशर बन गया तो प्रेशर लाइन क्या है ऑटो पायलट लाइन को दे दिया, तो ये बॉल को क्या किया वो पीछे तरफ आ गया, तो इधर लाइन में रिटर्न आ गया। दोस्तों समझ में आया ऑटो पायलट लाइन होता क्या है, ऑटो पायलट चेक वाल्व कैसे काम करता है। और प्लेन चेक वाल्व में क्या है दोस्तों, प्लेन चेक वाल्व में ऑटो पायलट जिसमें नहीं रहेगा तो वन वे डायरेक्शन हो काम करता है, सिर्फ जाएगा आएगा नहीं। अगर ऑटो पायलट जिसमें रहेगा वही लाइन में आएगा और जाएगा, दोनों हो सकता है एक साथ, सिर्फ ऑटो पायलट होना ज़रूरी है। दोस्तों मेरा उम्मीद है आप लोगों का समझ में आया। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के ऊपर। जय जगन्नाथ दोस्तों।